लो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्विगी में काम करते हैं जो उनका फ्लोटिंग कैश जमा होता है उनको कैसे ऑनलाइन घर बैठे पेमेंट होता है। तो मैं ऐप खोलता हूं, तो यहां तो दिखा रहा है कनेक्ट टू द इंटरनेट बटन। देखिए मैं नेट खुला हुआ, पता नहीं क्यों शो कर रहा है, बट कोई इशू नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर आपको नीचे की तरफ लेके जाऊँगा और यहाँ पर दिखाऊँगा फ्लोटिंग कैश। देखिए मेरा जो फ्लोटिंग कैश है 1956 रुपये मेरा फ्लोटिंग कैश है, और इसके इसको पेमेंट करने का बहुत सारा तरीका है। आप देखिए फर्स्ट में आईसीआईसी कैश डिपॉजिट से जो होता है वहाँ से कीजिए, या फिर नोवा पे होता है। बट ये सब आपको पहुँचना पड़ेगा सेंटर पे, मतलब पेमेंट करने के लिए डिलीवरी हब है स्विगी का, प्लस एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर सबसे बेस्ट जो मैं आपको बताऊँगा वो है UPI ट्रांसफ़र टू स्विगी अकाउंट। UPI सबसे बेस्ट है। UPI में आपको फ़ोनपे मिलता है फ्रेंड्स, भीम मिलता है, और पेटीएम का भी अभी शायद आ गया है। तो UPI को सबसे पहले पेमेंट करने के लिए स्टेप वन में आपको कुछ नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, स्टेप टू में आपको अपना बैंक है बैंक को लिंक करना पड़ता है आपका फ़ोनपे एप्लीकेशन से, या फिर भीम UPI एप्लीकेशन से, या फिर तेज है, तो इससे आपको पहले अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। फिर स्टेप फोर में आपको जो ID करना UPI ID करना पड़ेगा, वो ID क्या है, swiggy.com, फिर अपना ID, फिर @ICICI डाल के अपना UPI ID तैयार कर सकते हैं। और स्टेप फाइव में बस अपना एक पिन नंबर रखिए अपना UPI ID का, उसके बाद फ्रेंड्स बस और कुछ नहीं करना है बेसिक। यहाँ स्टेप सिक्स में आपको बस पेमेंट करना है, फिर कंफर्म करना है। तो ये सब बेस्ट तरीका है पेमेंट करने का। सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया UPI ट्रांसफ़र है, ये इससे बेस्ट होता है। आप यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक से भी या फिर स्विगी हब से भी जमा हो सकता है। अब मैं आपको देखिए यहाँ मैं जो फ्लोटिंग नेट आ गया, फ्लोटिंग कैश जो है मैं 1956 रुपया, अब मैं इसको पेमेंट करूँगा और फिर मैं यहाँ पर मेरा लॉगिन होगा। फ्रेंड्स फ्लोटिंग कैश अगर पेमेंट नहीं करते हो आप तो उससे आपका लॉगिन नहीं होता है, अगर आपका वो लिमिट बहुत ज़्यादा हो गया तो, यानी कि 2000 से ऊपर हो गया तो। अब देखिए मैं फ़ोनपे ऐप से मैं पेमेंट करूँगा UPI का जो फ्लोटिंग कैश है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा टू कॉन्टैक्ट में और यहाँ लिखा हुआ भीम UPI ID, उस पर क्लिक करूँगा। फिर देखिए मैं जो फर्स्ट में आईडी है उस पर क्लिक करने के बाद मैं पेमेंट करूँगा। बट अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पर ऐड भीम UPI ID से आप ऐड कर लीजिए, फिर आप पेमेंट कीजिए। तो जो उमेश यादव है मैं उसमें क्लिक करता हूँ, और यहाँ मुझे अभी मान लीजिए पेमेंट करना है 500 रुपीज़ पेमेंट करना है। तो 500 रुपये मैं ऐड किया, फिर यहाँ पर सेंड पे क्लिक किया, यहाँ मैं पिन नंबर अपना एंटर करने वाला हूँ। तो पिन नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखा रहा है। अभी ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है ये मेरा आईडी है, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ दिखा गया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, यानी कि पेमेंट हो गया, और बैंक से SMS भी आ गया जो मेरा अभी बैलेंस कर, और देखिए स्विगी से भी SMS आ गया है जो मैंने पेमेंट किया, यू हैव डिपॉजिटेड ₹500 टू स्विगी यूजिंग ICICI UPI एट टाइम और डेट दिया हुआ है। तो वो मेरा पेमेंट हो गया 500 रुपया। अब मैं आपको जो वहाँ जाऊँगा स्विगी एप्लीकेशन में, वहाँ आपको दिखाऊँगा कि जो फ्लोटिंग कैश है वो माइनस हुआ है कि नहीं। तो पहले था 1956 रुपया, अब देखते हैं 500 पेमेंट करने के बाद कितना होता है। देखिए 1456, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए कम हो गया, पेमेंट हो गया मेरा। तो ऐसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।